नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है इंडिया की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों इंडिया ने दुनिया के सामने अनवील कर दिया है सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट दोस्तों जो है तमिलनाडु में और यहाँ पर दोस्तों उसकी कैपेसिटी है वो है 648 मेगावाट्स की। दोस्तों इससे पहले यूएस में था कैलिफोर्निया में टोपाज फार्म और वहां पर दोस्तों उसकी कैपेसिटी थी वो थी 550 मेगावाट की, लेकिन दोस्तों इंडिया ने डेवलप किया दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट सिर्फ 8 महीने के समय में। तो ये बहुत ही कमाल की बात है और ऐसे आगे जो प्लान है वो है कंप्लीटली धीरे धीरे करते करते चेंज करना जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनकी तरफ। तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आगे हम ऐसे ही क्लीन एनर्जी को जनरेट करते रहेंगे। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है नोकिया की तरफ से और यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि आपको 2017 में नोकिया ब्रांडेड दोस्तों फोन्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक और जो लीक है वो ये आता है कि नोकिया में दोस्तों जो फोन आने वाला है D1C आपको उसमें मिलेंगे दो अलग अलग वेरियंट्स, क्योंकि एक का जो फोन है दोस्तों उसका स्क्रीन साइज होगा 5 इंच का, दूसरा फोन है उसका स्क्रीन साइज होगा 5.5 इंच का। तो देखते हैं कि नोकिया 2017 में किस तरीके से किन किन मॉडल्स के साथ में वापसी कर लेता है। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आप सभी को पता है जो रिलायंस जियो की तरफ से आ रही है कि यहाँ पे जो जियो की फ्री सर्विसेज हैं वो 2017 मार्च 31 तक अवेलेबल हैं। जो स्पीड है वो आपको हाई स्पीड मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो डेटा लिमिट्स हैं उनको 4 GB से कम करके 1 GB कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप जियो की सिम लेने वाले हैं तो 1-2-3 एक्स्ट्रा सिम ले लो, ये एक पर्सनल एडवाइस है, जिससे एटलीस्ट आप 1-1 GB करके वापस से 3-4-5 GB जो डेटा है वो यूज़ कर पाओ। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है बहुत ही डराने वाली और दोस्तों ये है गुलियन मालवेयर के बारे में। दोस्तों ये एक नया मालवेयर है एंड्रॉयड फोन्स के लिए और यहाँ पर दोस्तों ये आपके फ़ोन से पहुँच सकता है तरह तरह के मलिशियस ऐप्स के थ्रू। हो सकता है आपके ऊपर कोई फिशिंग अटैक हो दोस्तों, हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से कुछ ऐप्स को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको जो मालवेयर है वो साथ में आ जाए, और एक बार आपके फ़ोन में आ जाए दोस्तों उसके बाद में कंप्लीटली समझ लीजिए कि रुइन कर सकता है। ये आपके कंप्लीट प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, ये के फोन को रूट करने के बाद में और ज्यादा जो हैकर है वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो यहां पर दोस्तों बहुत सारी सिक्योरिटी फर्म्स और जो गूगल है वो प्लानिंग कर रहे हैं इसके बारे में। अब देखो क्या होता है, क्या इसका अपडेट आता है। फिलहाल के लिए अगर आप चेक करना चाहें कि आपका फोन इन्फेक्टेड है या नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे जाइए। वहां पे जाने के बाद में आप अपनी जो जीमेल आईडी है उसको एंटर कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो आईडी है वो इन्फेक्टेड है या नहीं। अगर दोस्तों है तो आप अपने फोन को क्लीन रीसेट कीजिए, कंप्लीट शुरुआत से कंप्लीट रॉम को दोबारा फ्लैश कीजिए। खुद अगर कर सकते तो अच्छी बात है, वरना जाइए किसी अपने जो फोन का सर्विस सेंटर है वहां पे करवाइए और अपने जीमेल का पासवर्ड भी चेंज कीजिए। करीब 1 मिलियन डिवाइसेस दोस्तों कहते हैं कि ये जो है अटैक कर सकता है और यहाँ पे फिलहाल ये किटकैट और जेलीबीन वगैरह पे काम कर रहा है। तो ऐसे में देखो, अगर आप लॉलीपॉप वगैरह यूज़ करते हो, किटकैट जेलीबीन वगैरह यूज़ करते हो तो क्या पता दोस्तों आपका फ़ोन जो है वो भी रिस्क पे हो। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है मीडियाटेक की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों मीडियाटेक ने 2 नए प्रोसेसर्स को अनवील किया है। एक का नाम है मीडियाटेक X23, जो दूसरा है वो है X27 और दोनों ही दोस्तों प्रोसेसर्स हैं वो 10 कोर प्रोसेसर्स हैं। मीडियाटेक में दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिलते हैं 3 अलग अलग क्लस्टर्स। जो पहला ड्यूअल कोर क्लस्टर है वो है कॉर्टेक्स A72 बेस्ड, उसके बाद आपको मिलती है 4 कोर्स कॉर्टेक्स A53 बेस्ड, उसके बाद आपको 4 और कोर्स मिलती हैं जो भी कॉर्टेक्स A53 बेस्ड हैं। जैसे में 3 गियर हैं बेसिकली यहाँ पे, तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड गियर लग जाता है और उसके बाद में आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ऐसा कहता है मीडियाटेक। देखते हैं कि आने वाले आपको कौन से डिवाइसेस में ये X27 या फिर X23 देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है फिटबिट की तरफ से और यहाँ पे जो रूमर्स हैं वो ये कहती हैं कि फिटबिट दोस्तों पेबल को एक्वायर कर सकता है करीब 30 से 40 मिलियन डॉलर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेबल है वो बनाती है कुछ स्मार्ट वॉच और ये जो कंपनी है ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजिशन में थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से धीरे धीरे करते करते काफ़ी डाउन आ चुकी है और यहाँ पे सिर्फ 30-40 मिलियन डॉलर्स में शायद फिटबिट इसको एक्वायर कर ले और उसके बाद में पेबल ब्रांड नेम को यूज़ नहीं करेगा लेकिन जो उसकी IP है दोस्तों उसको यूज़ करेगा फिटबिट अपने फिटनेस प्रोडक्ट्स या फिर स्मार्ट वॉचेस में। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है एप्पल की तरफ से और एप्पल के जो एयरपॉड्स हैं जो कि है वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स, वो दोस्तों अभी और डिले हो जाएंगे, ऐसा एक पता चला है ईमेल के थ्रू जो कि कस्टमर ने लिखा था एप्पल के लिए। और बदले दोस्तों जवाब आया वो आया सीधा टिम कुक की तरफ से और वो ये कहते हैं कि कुछ और वीक्स लगेंगे जब तक एयरपॉड्स मार्केट में आते हैं उसके लिए। तो पहले कहा जा रहा था कि 30 अक्टूबर तक मार्केट में आ जाएंगे, बेसिकली अक्टूबर एंड था, फिर कहा गया कि नवंबर एंड में आ जाएंगे और अब लगता है कि क्या पता जनवरी भी हो सकती है एयरपॉड्स को मार्केट
मार्केट में आते आते। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है वापस एक बार एप्पल की तरफ, और यहाँ पे दोस्तों एप्पल जो है वो प्लानिंग कर रहा है ड्रोन्स को यूज करने का अपने मैप्स को अच्छे से अपडेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एप्पल प्लानिंग करता है कि हम गूगल मैप से आगे निकल जाएं, लेकिन रियलिटी यही है कि जब पहली बार एप्पल मैप्स आए थे तो एक नाइटमेयर था, और यहाँ पे दोस्तों गूगल ने बचा लिया था एटलीस्ट iOS को गूगल मैप्स के जरिए। लेकिन फिलहाल जो है वो एप्पल कंप्लीट तैयारी कर रहा है कि वो ड्रोन्स को यूज करेगा रियल टाइम काफी अच्छे से बहुत तेजी से बार बार जो मैप्स है उनको अपडेट करने के लिए, और शायद दोस्तों गूगल से आगे निकल जाए, लेकिन पूरी दुनिया भर में नहीं, सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर, क्योंकि एप्पल मैप्स दोस्तों जो इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है उसके पास में कि वो पूरी दुनिया में कवर कर सके। गूगल तो आपको पता है कि गूगल अर्थ और गूगल मैप्स वगैरह जो है वो पूरी दुनिया भर में किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है राहुल गांधी की तरफ से, और यहां पर आपको पता है कि मिस्टर गांधी का जो ट्विटर अकाउंट था उसको हैक कर लिया गया था। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस का जो ट्विटर अकाउंट था वो भी हैक हो गया था आज सुबह। तो यहां पे जो सोर्सेज है वो ये कहते हैं कि ये दोनों अकाउंट्स हैक कैसे हुए, और यहां पे दोस्तों जो हैकर है उसने शायद जो कांग्रेस का मेल सर्वर था बेसिकली उसी को दोस्तों हैक कर लिया। इसका मतलब ये है कि वहां पर एक बार हैकिंग हो जाए तो उसके बाद में आप किसी भी अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट की रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो रिक्वेस्ट वहीं पर आएगी, तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, या फिर आप इवन जो बोलते हैं कि रिकवरी प्रोसेस है उसको अगर आप चेंज कर दें तो ऐसे में आप यूजर को कंप्लीटली किकआउट भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी गलती जो की है राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम ने वो ये है कि उन्होंने दोस्तों पासवर्ड चेंज तो किया लेकिन उन्होंने जो ऐप परमिशंस थी उनको रिवोक नहीं किया। तो ऐसे में वो जो हैकर थे वो यहां से जो है इनकी टीम ट्वीट्स को डिलीट कर रही थी, और वो वहां से बैठे बैठे अपने फोन से या लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं से भी नए ट्वीट्स करते जा रहे थे। तो देखो दोस्तों आप अपने प्रोटेक्शन कैसे करते हो सोशल मीडिया में या किसी भी अपने ऑनलाइन अकाउंट में, आप अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखो, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को इनेबल रखो, और टाइम टाइम पे इन पासवर्ड्स को चेंज करते रहो, तो ही जाके दोस्तों आपके अकाउंट्स आप कह पाओगे कि कुछ हद तक सिक्योर हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च किया एक छोटा सा स्लीप ट्रैकर जिसको नाम दिया है लूना, जो कॉस्ट दोस्तों वो है 69 चाइनीज येन, यानी कि करीब करीब 700 रुपए। अब आप दोस्तों इसको अपने तकिए के अंदर के रख लीजिए, तकिए दबा लीजिए, और उसके बाद में ये आपके स्लीप पैटर्न्स को ट्रैक करता है और काफ़ी अच्छे से दोस्तों आपको बता पाएगा कि आप कितनी गहरी नींद में थे, आपने कब कहाँ कैसे कितनी नींद ली। अब छोटा सा डिवाइस है तकिए में लगा लो, और ये आता है Xiaomi की तरफ से। मतलब Xiaomi जो है वो लगभग हर एक फील्ड में कोशिश कर रहा है घुसने की, मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली सी बात कर रहा है कि सब जगह बस हमारा नाम हो हमारा नाम हो। अब देखते हैं दोस्तों ये जो फिटनेस ट्रैकर है बेसिकली स्लीप ट्रैकर है ये किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देता है जब ये मार्केट में आ जाता है। तो दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो आ रही है Motorola की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों Motorola जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि शायद क्या पता आपको दोस्तों प्रोजेक्ट टैंगो वाला कोई मोटो मॉड देखने को मिल जाए। आप जानते हैं दोस्तों कि Motorola के फोन से आपको मिलते हैं मोटो मॉड्स के ऑप्शंस, अगर आपसे बात करता हूं Moto Z की, Moto Z Play या फिर Moto Z Droid की, तो यहां पे दोस्तों क्या पता आपको प्रोजेक्ट टैंगो वाला कोई 2-3 कैमरे वाला सिस्टम ऐसा मिल जाए जिसको अगर आप कनेक्ट कर लेंगे अपने Motorola फोन तो उसके बाद में आप वही जो गूगल की डेप्थ सेंसिंग एप्लीकेशंस हैं उनको दोस्तों यूज कर पाएंगे और अपने फोन को काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे AR के लिए, कि आप ये चीजों को स्कैन कर रहे हैं, 3D से स्कैन कर रहे हैं, आप बाद में augmented reality से प्ले कर रहे हैं अपने फोन के स्क्रीन पे, तो वो बहुत ही कमाल की बात होगी। देखते हैं आगे चल के Motorola दोस्तों ऐसा कुछ कर पाता है या नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए टॉक्स इस एपिसोड में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने वीडियो को तो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।